फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर किचन। आज हम आप लोगों के साथ चिकन टिक्का की रेसिपी शेयर करेंगे। ये रेसिपी बहुत ही डिलीशियस बनती है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए बोनलेस चिकन लेंगे और इसे अच्छी तरह से वॉश करने के बाद एक स्ट्रेनर पर रख के इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। और अब इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, लेमन जूस और जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसे ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए एक साइड अलग रखते हैं। इतनी देर में ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएगा। और अब एक साइड इसके बाकी के स्पाइसेस रेडी करते हैं। इसके लिए 2 टेबल स्पून दही लेंगे और इसमें चिली पाउडर ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर, गरम मसाला और भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, और साथ ही 1/2 टी स्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे। इन्हें ऐड करने के बाद इसमें फूड कलर ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है। अगर आप इसे ना ऐड करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, पर इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। और अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ये स्पाइसेस अब रेडी हैं, तो अब हम इसमें मैरिनेटेड चिकन ऐड करेंगे। सारे पीसेस को इसमें ऐड करके अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे। और अब ये सारे स्पाइसेस चिकन के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो गए हैं, तो अब हम इसे कवर करके कम से कम 20 मिनट्स के लिए रख देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। आप चाहें तो इसे ज़्यादा देर के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। ये जितना ज़्यादा मैरिनेट होगा इसका फ्लेवर उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अब हम यहाँ पे कुछ स्टिक्स ले रहे हैं, इनको पानी में पहले सोक कर लिया था। और अब ये सारे पीसेस वन बाय वन करते हुए इस स्टिक में ऐड करेंगे। इस तरह से एक स्टिक में 4 से 5 पीसेस ऐड करेंगे और सेम प्रोसेस से बाकी के पीसेस भी ऐड कर लेंगे। और इसी तरह से सारी स्टिक्स बनाकर रेडी कर लेंगे। और अब ये टिक्के रेडी हैं, इन्हें फ्राई करते हैं। इसके लिए एक पैन में ऑयल गरम करेंगे और वन बाय वन करके इसे फ्राई करते हैं। इसी तरह से इसे शैलो फ्राई करेंगे और जब ये एक साइड से थोड़ा फ्राई हो जाएगा तो इसकी साइड चेंज करते जाएंगे। और इसकी सारी साइड्स अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। और इसे फ्राई करते वक्त फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से चारों तरफ से फ्राई कर लेंगे। और ये चिकन टिक्का बनके रेडी हो चुके हैं, तो इन्हें सर्व करते हैं। इन्हें लेमन, अनियन रिंग्स और ग्रीन चटनी के साथ सर्व करते हैं। इसके साथ ये बहुत ही डिलीशियस लगते हैं और ये बहुत ही ईजी और क्विक रेसिपी है चिकन टिक्का की। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इसे सब्सक्राइब किए बिना मत जाएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें, टेक केयर, बाय बाय।